क्योंकि मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं मिरर्स। लाइट आएगी और टकराने के बाद वापस चली जाएगी, मिरर्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ने लगे लेंस। लेंस क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है वो देख रहे हैं। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, पहली बात, शीशे का या प्लास्टिक का मिलकर बना होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, हैविंग टू सरफेस, जिसकी दो साइड्स होती है, ऑफ विच एटलीस्ट वन इज कर्व, जिसका एटलीस्ट एक साइड जो है वो कर्व होती है। ये लेंस की जो है वो आप कह लें शिनाख्त है, आइडेंटिटी है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होगा, दो सर्फेसेस होंगी और दोनों में से एक जो है सरफेस वो मुड़ी हुई होगी, कर्व्ड होगी, नंबर वन, ठीक है। हाँ, मिक्स नहीं करना इसको। अच्छा, और लेंसेज लाइट को क्या करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं, ये मेन प्रॉपर्टी है लेंसेज की। देखो मिरर के बारे में कहा था, मिरर लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, लेंसेज लाइट को क्या करते हैं, ये रिफ्रैक्ट करते हैं। लाइट आएगी, इनमें से गुजरेगी और गुजरने के बाद अपना रास्ता चेंज कर लेगी। तो ये होते हैं जी लेंसेज। कहाँ का इस्तेमाल होते हैं, आप नाम ले कोई ऐसी डिवाइस जिसके अंदर लेंस इस्तेमाल ना होता हो और लाइट के उसके ऊपर काम करती हो, ठीक है। कैमरा के अंदर है, आपके ग्लासेस के अंदर लेंस लगे होते हैं, माइक्रोस्कोप्स के अंदर जो कि आप बायोलैब के अंदर प्रैक्टिकल करेंगे, टेलीस्कोप जिसकी मदद से हम चांद देखते हैं, प्रोजेक्टर्स, हर जगह तो लाइट का जहाँ इस्तेमाल होगा उसमें वहाँ पे लेंस लगा होता है। इवन की अब तो गन्स भी ऐसी आ गई जहाँ पर निशाना लेने के लिए ऊपर लेंस लगा होता है, टेलीस्कोप आ गई, ठीक है। आप लोगों में से जो लोग पबजी वगैरह या फ्री फायर खेलते हैं वो देखते होंगे कि जब आप राइट फायर करने के लिए राइट क्लिक करते हैं तो ऊपर स्कोप लगा होता है, तो उसके अंदर यही लेंस ही लगे होते हैं जो कि निशाना लेने के काम होते हैं, हर जगह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। वैसे गेम्स कौन कौन खेलता है, लेंस की जी दो टाइप्स है, नंबर वन इज कन्वेक्स लेंस, गुड, अच्छी बात है गेम्स खेला गए। अच्छी, लेंस की दो टाइप्स है, कन्वेक्स लेंस नंबर वन, इस लेंस की डेफिनेशन आपके सामने है, जो कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नजर आ रहा है, पेपर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो यही कुछ आपने लिखना भी है, इंक्लूडिंग डायग्राम। द लेंस विच कॉजेज इंसिडेंट पैरेलल रेज टू कन्वर्ज, ऐसा लेंस जो कि आने वाली रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, ऐसे लेंस को नाम दिया जाता है कन्वेक्स लेंस का। याद रहे ये हम लेंस पढ़ रहे हैं, पीछे हमें मिरर पढ़े थे, लेंस और मिरर दोनों एक दूसरे के उलट है, पीछे हमने कन्वेक्स मिरर पढ़ा था, ये कन्वेक्स लेंस है। तो ये क्या करता है, आने वाली रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है, मोड़ देता है, बेंड नहीं होती, थोड़ा सा मोड़ देता है, ठीक है, क्योंकि ये लाइट को मोड़ता है, इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस भी है। अच्छा, दिखने में कैसा होता है, थिक एट द सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा मोटा होता है, एंड थिन एट द एजेस, और किनारों से बारीक होता है, एजेस का मतलब होता है किनारे, किनारों से हो गया बारीक और सेंटर से हो गया थिक, ये देखो डायग्राम बनी हुई है, ऐसे बनती है इसकी डायग्राम, आप देखिए सेंटर से मोटा है यहां से और किनारों से बारीक है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है, और इसका फॉर्मूला देख ले, वन फॉर्मूला वही जो मिरर का था, वन ओवर एफ इज इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू, ये याद रखना आप फॉर्मूला, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। हालांकि अगर आप इसको कंपेयर करें कन्वेक्स मिरर से, तो कन्वेक्स मिरर के बारे में आपने उल्टा पढ़ा था, कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है ना वो नेगेटिव होती है, लेकिन कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी। तो ये क्यों याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब आपको न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा या पेपर में आएंगे तो न्यूमेरिकल में आपको लेंस या मिरर के बारे में नहीं बताया, फोकल लेंथ के बारे में नहीं बताया जाएगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, आपको सिर्फ बता दिया जाएगा कन्वेक्स लेंस है, तो आपने खुद ही अंदाजा लगाना है कि अगर कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी प्लस एफ, और अगर कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, फॉर्मूला यही रहेगा। वालेकुम सलाम, अब इतनी लेट आए तुम क्लास के अंदर है, टाइम आएगा। अच्छा जी, इस दूसरा लेंस है हमारे पास, वो लेंस है जी कनकेव लेंस। द लेंस कॉजेज द पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू डाइवर्ज, ऐसा लेंस जो कि आने वाली रेज को फैला देता है, देखो ये रेज ऑफ लाइट आ रही है, जैसे ही इसमें से गुजरी सब डाइवर्ज हो गई, सबको फैला दिया इसने, ऐसी रेज को नाम दिया जाता है, ऐसे लेंस को नाम दिया जाता है कनकेव लेंस का, क्योंकि ये लाइट को फैलाता है, इस वजह से इसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्ज करने का मतलब होता है फैला देना, मुंतशिर कर देना। अब देखो इसकी शक्ल कन्वेक्स के मुकाबले में उल्टी है, कन्वेक्स जो है वो सेंटर से मोटा था, ये थिन है सेंटर से, यानी सेंटर से बड़ा बारीक है, यानी समझ लो बड़ा डाइटिंग शाइटिंग करता है ये, ठीक है, बड़ी आइडियल वेस्ट है इसकी, ठीक कर दिया, जिस किनारों से मोटा है सेंटर से बारीक है, इसकी फोकल लेंथ जो है नेगेटिव होती है, और इसका फॉर्मूला होगा वन ओवर माइनस, जो कि फोकल लेंथ नेगेटिव है तो फॉर्मूला होगा वन ओवर माइनस एफ इज इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू,